से खबर है झुंझुनू के सिंघाना से, ये बड़ी खबर आ रही है। कलेक्टर चिन्मय गोपाल की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद थी कलेक्टर चिन्मय गोपाल। सिंघाना चिड़ावा रोड पर हुआ कलेक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट, चालक को मामूली चोट, दूसरी गाड़ी से रवाना हुई कलेक्टर। कलेक्टर के चोट लगने या नहीं लगने की अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं आई है। और झुंझुनू के सिंघाना से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर कलेक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हादसे के दौरान गाड़ी में मौजूद थे कलेक्टर, कलेक्टर चिन्मय गोपाल की गाड़ी का यह एक्सीडेंट बताया जा रहा है और चालक को मामूली चोटें आई हैं। कलेक्टर के चोट लगने की या किसी भी तरह की सूचना अभी सामने फिलहाल नहीं आई है। झुंझुनू के सिंघाना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर कलेक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। कलेक्टर चिन्मय गोपाल की गाड़ी बताई जा रही है और कलेक्टर हादसे के दौरान गाड़ी में मौजूद थी और कार चालक को भी चोटें आई हैं। और झुंझुनू के सिंघाना से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर कलेक्टर की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। और झुंझुनू के सिंघाना से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर कलेक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। किस तरीके से कलेक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपको बता दें, जब ये हादसा हुआ तो कलेक्टर खुद गाड़ी में मौजूद थी और चिन्मय गोपाल कलेक्टर की ये गाड़ी बताई जा रही है और फिर कलेक्टर को दूसरी गाड़ी से रवाना किया गया और गाड़ी फिलहाल क्षतिग्रस्त हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुजीत, कलेक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट इस मामले पे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। सिंघाना चिड़ावा रोड पर कलेक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हादसे के वक्त जिला कलेक्टर है वो गाड़ी के अंदर मौजूद थी। चालक को मामूली चोट लगी है, जिन्हें सिंघाना अस्पताल लेकर जाया गया है। वहीं जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल है, वो जिला परिषद सीईओ है, उनकी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई झुंझुनू के लिए। और कलेक्टर को चोट लगने या ना लगने की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि हादसे के बाद जो जिला कलेक्टर की गाड़ी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जी सुजीत, किस तरीके से ये हादसा हुआ, इससे जुड़ी कोई जानकारी है फिलहाल सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिला कलेक्टर जैसे ही वह चिड़ावा सिंघाना रोड पर जा रही थी, आगे आगे एक गाड़ी चल रही थी, क्रूजर गाड़ी। अचानक क्रूजर गाड़ी वालों ने यू टर्न ले लिया और बिना इंडिकेटर दिए, इस कारण ये बड़ा हादसा हो गया। जी शुक्रिया आपका सुजीत हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो झुंझुनू के सिंघाना से फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां पर कलेक्टर चिन्मय गोपाल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और जब हादसा हुआ तो कलेक्टर गाड़ी में मौजूद थी और कार चालक को चोटें आई हैं।